करना बहन भाइयों को खा दे वहां इतना खलारा खिलरा होया फिर समेटा के समेट के फिर अस्सलाम वालेकुम सब बहन और भाइयों को मेन करती ठीक हो गया आप जहाँ रहो खुश रहो आबाद रहो मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। अब मैं ब्लॉग नए अंदाज से शुरू करती हूँ और मेरे बहन और भाई मैंने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं तो हुसैन थोड़ा जहा ब्लॉग बनाने लगे हाँ। चलो हुसैन हेलो हुसैन क्या कर रहे हो मामू के साथ बात कर रहे हो हुसैन हुसैन बाबू पापा कहाँ हैं हुसैन बाबू हुसैन हेलो करो हेलो हेलो बाय बाय करो कहाँ है फोन गिर गया हुसैन भाई आज ऐसी कुछ सुबह सुबह उठे हैं ले आज इतवार सी थे सुबह सुबह उठे हैं ते चाय बनाइए आज कल चाय बनाइए रोटियां रोटियां नहीं पकाइया ने बस चाय ठहर के उन्हें रोटियां बनावांगी फिर सालन पकावांगी पका के फिर बहन भाई ने तुसी वेखदे होणे ने किंज दे गए ने असि माड़े जे बंदे आ गरीब जे बंदे हैगे आ ते गैस साडे कोल नहीं लग्या होया लकड़ां असि बालने आ गैस असि लै नहीं सकदे माड़े जे बंदे हैगे आ गरीब जे तो जो चार यूट्यूब तू पैसे मिल गए तो भैन और भाइयों ने मैं यही कहनी सन लाइक और सब्सक्राइब करो किन्ना भी हो सकता है की करना भैन भाइयों को खा दे वहाँ इन्ना खलारा खिलरा होया फिर समेटा के समेट के फिर हाँ जी रोटी बनानी है सुबह सुबह कल ही तुम क्या चाह पकाई चाह पका के ते फिर हम बिस्तर देख सकते कि गंद वजा होया बच्चा ने इन्ना गंद मार दिता है ना इसलिए दिल ही काम कर बर्तन खड़े है कट्ठे करके इतने राख दिते हैं तो हम झाड़ू लाने लग पे ने पहले झाड़ू लाने उस तो बाद फिर बर्तन खड़े है वो धो तो लैन गए बर्तन धोन तो बाद फिर रोटी का करेंगे क्योंकि सुबह का नाश्ता भी नहीं ना किया खाली चाह पीती हुई है सर भूख भी लगी खाली है कि बेगम खड़े है बर्तन धो के उस बाद फिर नाश्ता खड़ा है वो बनाएंगे अद्धे बेगम ने हाली नाश्ता नहीं बनाया कहते झट धुप ते बह लईए तो फिर बनावांगे तो सारे घड़े है धुप ते बैठे हैं थले क्लीन विछारिया हो धुप ते बैठे ने धुप नहीं ना लगती है सोचे तू छत आया है और छत उत्ते धुप काफ़ी तेज़ लगी हुई है क्योंकि इतने अखी काफ़ी तेज़ थले साढ़े को छा ही रहती है
बेगम हुण आ गए ने थले आटा गुंदे पै गए ने क्योंकि भुख भी काफ़ी ज़्यादा लगी पी इस वजह तो आ गए ने थले ते आटा कड़ा गया छानदे पे ने गुन्नन लगे ने बेगम ने सुबह नाश्ता नहीं बनाया